शंशाई राधे राधे, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आजकल मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ की ना पूरी लगी पड़ी है। सुबह जाओ, 8:30 बजे पहुँच रहा है, तो सुबह 6 बजे उठो, फटाफट रेडी हो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, अपने लिए भागो। तो शाम को 4:30 बजे छुट्टी होगी, तो 5:45 बजे तक मैं घर पहुँच चुकी हूँ। बस इतनी लेट होती है ना, सुबह जाओ तो भी बस लेट है, शाम को आओ तो भी बस लेट है। 17-17 मिनट तो पैदल चल चल के आओ आधा रास्ता, बहुत वो हो जाता है। और आज तो मेरे को नींद ही नहीं आई है, 5:15 बजे से उठी हूँ। फिर थोड़ी देर मैंने सोचा 1 घंटा और सो जाऊँ, पर नींद नहीं आई। फिर मैंने कहा चलो उठ के बाहर चलो भाई, रेडी होते अपना, अब गर्म पानी पी लिया, ब्रश कर लिया, फ्रेश हो गई हूँ, अब नहाना बाकी है, तो अब मैं नहा के आती हूँ फटाफट। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और अब बारी अपने ब्रेकफास्ट और लंच बनाने की। तो रेडी हो गया मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ग्रीन टी और सैंडविच एवोकाडो के साथ, और ये है ओट्स मेरे लंच के लिए। इतनी जल्दी लिया और मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकती सुबह सुबह। चलो भाई मैं तो निकल गई अपना झोला झमाटा लेके घर से। आज तो मेरे जाते समय उजाला हो चुका है, क्योंकि ये संडे जो अक्टूबर का लास्ट संडे होता है, तो टाइम चेंज हो गया है यहाँ का। अब घड़ी 1 घंटा पीछे है, पहले पेरिस और इंडिया के टाइम में 3.5 घंटे का डिफरेंस था, अभी 4.5 घंटे का डिफरेंस हो चुका है। तो जहाँ पहले कल तक इतने बजे 8:30 बजते थे, अभी 7:30 बजे हैं। तो इसलिए आज उजाला हो रखा है, और मैं जा रही हूँ अपनी बस लेने के लिए। बस अभी आई नहीं, आज तो मैं घर से भी जल्दी निकल गई हूँ। 7:37 हो रहा है और मैं आज जल्दी निकल गई हूँ, क्योंकि मैं जल्दी रेडी हो गई थी, खाना ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अब बस स्टॉप पर जाके बस का वेट करती हूँ, और बाहर बारिश हो रही है। रोज़ मैं जाती हूँ ना, रोज़ सुबह बारिश ही रहती है, और जिससे मेरी छुट्टी होती है उससे भी बारिश होती है, बीच में बंद हो जाती है। 2 मिनट में मेरी बस आने वाली है, वरना आजकल रोज़ क्या हो रहा था कि मैं आती थी यहाँ पर और 16-17 मिनट में बस आने होती थी, तो पैदल जाती थी आगे तक, जहाँ से मैंने बस चेंज करनी होती 35, तो वहाँ तक मैं पैदल चलती जाती थी। चलो मेरी बस आ गई, मेरी बस आ गई भाई, वाह बस आ गई थी, और मैं यहाँ फ़ोन में लगी थी तो मैंने उसे हाथ नहीं दिया और वो चली गई। अब दूसरी बस कितनी देर में है, 15 मिनट बाद है बस, मतलब कि मेरे को 8 तो यहीं पर बच जाना है अब। चलो भाई आ गई मेरी बस, हाथ दे रही थी उससे पहले ये भी मुझे छोड़ के चले जाए। चलो भाई मिल गई मुझे बस, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है भाई यहाँ पर बस पकड़ने के लिए। अभी यहाँ से मैंने बस चेंज करनी है, और उसे भी आने में भी 7 मिनट है। घर से भाई कितना भी जल्दी निकल लो, मैं रोज़ लेट हो जाती हूँ। आज मैं घर से निकली थी 7:37 पे, और पहुँचते पहुँचते पता है 8:28 हो चुका है, 1 घंटा लग गया, मतलब पूरा। पहला बस 15 मिनट लेट था, दूसरी बस भी ऐसे ही 15 मिनट लेट थी, बस हो गया अब मैं लेट हो गई हूँ। और शेफ बोलते कि 8:30 पर किचन में होना चाहिए, ना कि बिल्डिंग में। मैं कपड़े पे चेंज करके किचन में आ जाओ 8:30 पर, और मेरा तो 8:30 यहीं पर हो गया है, और मैं 5 मिनट तो लेट होंगी क्योंकि चेंज करने में भी टाइम लगता है। तो उसके बाद जाके बोल लूँगी सॉरी मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर, बस वाले का कसूर जिसने लेट करवाया है। नहीं आज हमने खरगोश बना रहे हैं, ये देखो हम खरगोश काट रहे हैं आज। अभी मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है भाई, मैं क्या शेफ बनूंगी। ये हमने खरगोश के निकाल दिया अंतड़े मंतड़े, ये है उसका दिल, ये बेचारा दिल है उसका, ये पता नहीं किडनी काडनी जो भी होंगी, और पैर हाथ निकाल दिया। अब यहाँ इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, हमसे बड़े बड़े आलू कटवा के इतना छोटा बनवा दिया है। यार इससे अच्छा तो छोटे आलू ले आते ना, इतने बड़े आलू को कटवाने की क्या जरूरत है, छोटा छोटा बनाने की, पता नहीं क्या होने वाला है इसका। अंडे की तरह छिलना है आलूओं को, ऐसे बनाना है अंडा जैसा बना के रखना है आलू। शेफ बोलते हैं अंडे से प्रैक्टिस करो आलू छिलने की। अब हमारा लंच टाइम हो गया है, अभी आज लंच टाइम में बड़ा लेट हुआ पता है 12:20 पे, क्योंकि खाना पक रहा था, और मेरा ओट्स तो बेचारा काला काला दिखने लग गया, इतना सुंदर बना के लाई थी घर से मैं। अभी मैं खाना फिनिश करके आ गई हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी ना, तो सब लोग अपना अपना ग्रुप बना के रहते थे, मैं बड़ी अकेला सा तन्हा सा फील करती थी। उसके बाद मुझे मिली ये लोग, कमेंट करके बताना ये कौन सी कंट्री से है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना ये कहाँ है, आपको कौन क्या लग रही है, शिनवा, कोरियन, और क्या क्या बोल सकते हैं, जापानीज, आप बताना आपको क्या लगी। अभी हम दोनों ने मिलकर रील बनाई है, एक रील बनाने में पता 6-7 टेक लगे हैं, तब जाके फाइनल हुई है। अब हमारी क्लास शुरू होने वाली है, चलते हैं कुजीन में बनाते हैं खाना। ये देखो तो हमारा खाना रेडी हो गया है, वाह मुँह में पानी आ रहा है देखते ही।
पता है मैंने ये इतना गंदा बनाया, तीन चार चौथी बार में सही बनाया, ये वो भी मेरे साथ हेल्प करिए किसी ने, तब जाके आज मेरा पता नहीं दिन ही खराब है भाई। हमारा तख्तो पॉम रेडी हो गया है, हमने ऐसे फ्लावर बना के सजा रखा है भाई, यही है बड़ी मुश्किल से बना था मेरा बेस, और अब हमने सजा सुजू के रख दिया, बाकी सब लोग काम पे लगे पड़े हैं। ये हमारे शेफ ने बनाया है। सबके तख्तो पॉम रेडी हो गए हैं, अब बेक होंगे। ये मेरा है, काम खत्म हो गया हमारा, हम कपड़े चेंज कर रहे हैं, भीड़ लगी है, इसको देखो छुप रही है, छुप रही है। चलो भाई अब काम खत्म हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर को, अब जाके देखती हूँ अगर 35 बस चल रही होगी तो बस लेंगे, नहीं चलेगी तो 38 बस लेने तक के लिए पैदल जाएंगे, वहाँ तक 25 मिनट में है भाई बस, अब तो पैदल ही जाएंगे हम, अब पैदल जाते हैं 38 लेंगे सीधे अब जाके। हमने क्लास में जब हमारा रेसेस हुआ था तो हमने रील बनाई थी, और ये महाराज ने क्लास में सबको दिखाई है, शेफ को भी, और अभी रास्ते में अभी रील ही बना रहे हैं भाई, गाने ढूंढ रही है वो रील बनाने के लिए अभी, हाँ रोड में रील ही बनाएंगे बोलती है। पौने 6 बज गया, घर तो पहुंच गई हूँ, देखती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, हैं खाने का स्वीट वाला, खाने के लिए स्वीट वाला, क्यों मैं क्या दुकान से आ रही हूँ, नहीं पर तुम नहीं थे, है कल बोल लेते हैं, है कल बोला था मैंने मैं खाने के लिए लाऊंगी, लाई हूँ ना क्वासो पाव शकुला, आज तो वही मिला मुझे, तुम क्या इंतजार इसलिए कर रही थी कि मम्मी आएगी खाने के लिए लाएगी, हाँ ओ माय गॉड, मम्मी से प्यार नहीं, कैला नहीं, कुछ नहीं, ये तो बंदा जैसे चिपक गई मेरे साथ, ओ मम्मी मैं वैसी थकी भी हूँ, प्रैंक सोच रहे थे, हाँ प्रैंक करो मेरे साथ, नहा के बैठे हैं भाई दोनों सुगड़े, हाँ? अब मुझे घर आके लगे बहुत तेज की भूख, आज मैंने कुछ नहीं किया है, बस सबसे पहले ना चावल पकाने रख दिए हैं और चने मेरे पास है तो बस यही खाने वाली हूँ मैं अभी, चने मेरे पास पड़े हुए थे और मैंने फटाफट चावल बना के मैंने तो खा लिया है, अब बच्चे गए अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए, जब वो आते हैं उनसे पूछती हूँ क्या खाना है, अगर ये खाएंगे चावल खाएंगे तो फिर चावल खिलाऊंगी, नहीं खाएंगे तो फिर कुछ और बनाऊंगी। मैं तो खाना खा चुकी हूँ, मैंने दिशी को पूछा क्या खाना है, बोलती है मैगी खानी है, मैंने दोनों के लिए मैगी निकाल दी है, तो अब सारा काम निपट चुका है, बच्चे खाना खा चुके, मैं तो पहले ही खा चुकी थी, बर्तन वर्तन धो दिए, सुबह की तैयारी कर दी है, अब फाइनली बैठी हूँ मैं बेड पे, और बज चुका है 7:30 रात का। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, ऐसा रखना अपना ऐसा रखना अपने सब्सक्राइब का बटन, हाँ और दिशिता कहती है दिशिता की बात मान लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, कमेंट्स कर लिया करो, लाइक कर लिया करो, हाँ माता रानी है वो। और हम मिलते हैं आपसे परसों करवा चौथ पे, तब तक ले बाय, टेक केयर, बिजू।